हेलो स्टूडेंट्स, सो अपने कर रहे थे क्लास नाइन्थ के लिए लेसन नंबर एट। आठवां लेसन अपना चल रहा था, जो पीछे अपने ने वीडियो आपने देखी होगी उसमें अपनों ने किया था, विस्थापन कर लिया था, दूरी, चाल, गति, जितनी भी चीज़ें थी सबको समझा था, उनके मात्र कर लिए थे। अब अपने बात करेंगे दिशा के साथ चाल। आपकी जो बुक है ना उसमें सेम पॉइंट दिया हुआ है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, वरना जो दिशा के साथ चाल, इतना तो आप सबको पता ही है कि ऐसी राशि, देखो फर्स्ट डेफिनेशन, वह राशि जो वस्तु की चाल के साथ साथ, मतलब वस्तु किस चाल से चल रही है उसके साथ साथ क्या बताए, उसकी दिशा को भी व्यक्त करे, उसे क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। मान लो देखो इसको आप ऐसे कर लेते हैं, यहाँ देखो, मतलब आपका ये क्या है, कोई ए पॉइंट है, ठीक है, आपका मान लो घर है, आप यहाँ से कहाँ जा रहे हो, बी पॉइंट तक जा रहे हो, कैसे चले, बिल्कुल सीधा जा रहे हो, ठीक है, ये आपकी क्या है, यूं चाल है, सीधा जा रहे हो। घर से आप कहाँ जा रहे हो, विद्यालय जा रहे हो, मान लो कितनी दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, तो अपने उसकी चाल तो ज्ञात कर लेंगे, कल अपने चाल का फॉर्मूला जो पहले की वीडियो थी उसमें किया था, चाल ज्ञात करेंगे। तो उसकी चाल के साथ साथ अगर अपने ये कहें कि अपने इतनी चाल के साथ साथ किस साइड जा रहे हैं, उत्तर दिशा में जा रहे हैं या पूर्व दिशा में अपने 5 किलोमीटर की तरफ चले हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अपना वेग कहलाएगा। अब सिंपल सी भाषा में वेग क्या होगी, एक सदिश राशि होगी, देखो वेग यहाँ लिखी लो, वेग क्या है, एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, अपना कोई अलग से पॉइंट बना के इसको लिख लेना। उसके बाद इसकी दूसरी डेफिनेशन देखो, पहले तो अपनों ने समझ ली कि किस प्रकार से किसी वेग कहते हैं, एक सिंपल सी डेफिनेशन एक और आती है अपने पास है, देखो एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं, एक निश्चित दिशा, देखो पूरे वर्ड को साफ पढ़ना, निश्चित दिशा, एक आपको दिशा दे दी कि आपको इधर ही इधर ऐसे ऐसे चलते जाना है, बस ये आपकी, अगर पूर्व दिशा तो पूर्व दिशा में जा रहे हो, उत्तर दिशा तो उत्तर दिशा में जा रहे हो, कहीं मुड़ना नहीं आपको, अगर उस मतलब चाल से आप चल रहे हो ना, तो वो चाल क्या कहलाएगी, आपकी वेग कहलाएगी। चलो डेफिनेशन हो गई, अब बात करते हैं अपने इसके, हाँ चलो फॉर्मूला से पहले मैं एक चीज और समझ लूं कि वेग जो है ना, वेग ये किस पे निर्भर करता है, वेग की निर्भरता आप लोग अच्छे से लिख लेना, मैंने थोड़ा पॉइंट बना के आपको सिंपल सा समझा दिया, समझ आ जाएगा अच्छे से। देखो निर्भरता, निर्भरता करता है किस पे, देखो चाल के साथ साथ क्या बता रहा है, दिशा भी बता रहा है, तो इन दोनों चीजों पे होगा, किस पे पहले तो आएगा चाल पे, दूसरा वस्तु की गति पे, पहला किस पे निर्भर होगा, चाल पे, दूसरी किस पे निर्भरता होगी, वस्तु की गति पे। जैसे ही वस्तु की चाल या गति में बदलाव आएगा, देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो अपने पास क्या है, सेकंड, मान एक सेकंड में अपने कितना चल रहे हैं, 50 मीटर चल रहे हैं, ठीक है, दूसरे सेकंड अपने क्या चल रहे हैं, 50 मीटर चल रहे हैं, तो क्या होगा, सेम है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में हल्का सा डिफरेंस आया, लेकिन अपने जो अपनी चाल है क्या है, बिल्कुल इक्वल है, तो यहाँ पे वेग क्या होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि किस पे निर्भर करता है, चाल और गति पे। अब थर्ड सेकंड अपनों ने मान लिया, अपने पास एक तीसरा सेकंड हो रहा है, यहाँ पे इसकी जो चाल है क्या होगी, 60 मीटर जो है प्रति सेकंड हो गई, तो कितने का फर्क आ गया दोनों के अंदर, 10 का। जैसे ही ये फर्क आया तो साथ के साथ वेग क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, अगर ये चाल और गति बढ़ती जाएंगी तो वेग क्या होगा, धनात्मक वेग भी बढ़ेगा, और अगर चाल और गति कम होती जा रही है, मतलब ये देखो यहाँ पे अपने 50 50 50 किया था, यहाँ पे अगर आगे जाके कितनी होगी आपकी, 30 मीटर होगी, कितने, फोर्थ सेकंड में, तो क्या आ जाएगा, वेग का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, ये तो चलो अपने आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ना अपना फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, एक बार डेफिनेशन पढ़िए, आप लोग सिंपल फॉर्मूला समझ लो कि अपने जो वेग है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अपना ने लिखा वेग, वेग मैंने बताया था सदिश राशि, तो सदिश राशि के ऊपर आप ऐसे लगा सकते हो, नहीं भी लगाओ तो भी एक बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन यहाँ नहीं लगा रहे तो कोई बात नहीं, औसत वेग बराबर
मात्रक में जो है ना इसका क्या रहेगा? मीटर प्रति सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हो मीटर प्रति सेकंड, या ऐसे भी लिख सकते हो मीटर सेकंड इनवर्स। चीज एक ही है, लिखने के तरीके अलग अलग है। अब आप कहोगे कि मैम आपने चाल करवाया था पहले, उसमें भी उसका क्या था? मीटर प्रति सेकंड। अब वेग का भी क्या रहे हो? मीटर प्रति सेकंड। तो हाँ, चाल और जो वेग है ना अपने पास, दोनों की यूनिट क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड ही होगी। ठीक है, चलो ये अपना आज का वेग हो गया। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेग में परिवर्तन की दर। सिंपल सी बात है, वेग में चेंज होगा तो वो चीज क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। फर्स्ट डेफिनेशन देखो, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। समय के साथ कैसे? देखो, वेग जो है, एक मिनट में मैंने आपको अभी बताया था, एक सेकंड के अंदर कितना बढ़ रहा है? 50 मीटर बढ़ रहा है। दूसरे सेकंड फिर कितना बढ़ रहा है? 60, मतलब अगर अपने मान लिया मीटर हो गया, ठीक है, अपनी चाल बढ़ रही है, तो उससे क्या बढ़ रहा था? वेग बढ़ रहा था। और वेग में परिवर्तन हुआ तो मतलब वो क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। देखो एक फॉर्मूला लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, त्वरण बराबर, देखो अभी बात की वेग में परिवर्तन की दर, क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। लेकिन किसके साथ? समय के साथ। जैसे जैसे समय चेंज होगा वैसे वैसे परिवर्तन की जो दर है वेग की वो चेंज होगी, और यही क्या कहलाएगा? अपना त्वरण कहलाएगा। त्वरण को अपने किससे लिखते हैं? ए से, ठीक है। अब देखो परिवर्तन की दर है, इसको क्या बोलते हैं? कैसे ज्ञात करेंगे परिवर्तन? लास्ट वेग में से क्या घटा देंगे? फर्स्ट वेग, देखो जहां से अपने चलना शुरू किया था, तो मान लो वो अपनी जो वेग था वहां का, और एक अपने बिल्कुल बंद कर दिया चलना, तो वो क्या हो गया? अंतिम वेग। अंतिम वेग में से पहले वाला जो वेग है वो कम माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? परिवर्तन की जो दर ही आ जाएगी कि कितना चेंजेस हुए हैं, तो बटा में क्या आ जाएगा? समय। अब इधर देखो, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। वी अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, यू समय है, तो टी त्वरण को किससे लिखते हैं? ए से। तो देखो ये अपने पास क्या आ गया, अपनी एक, ये जो अपनी है ना, अपने को एक इक्वेशन कह लो या फॉर्मूला कह लो, प्राप्त हो गया किसका? त्वरण का। ठीक है, डेफिनेशन होगी, फॉर्मूला हो गया, बात करते हैं यूनिट की। इसकी जो यूनिट होती है ना वो क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड, या ऐसे लिख लो, चाहे इसको क्या लिखोगे आप? देखो मीटर प्रति सेकंड, सेकंड की स्क्वायर। सेकंड कितनी बार आ गया? दो बार। वेग का याद करो क्या था? मीटर प्रति सेकंड ही था। अब इसको अपने इस फॉर्मूला से क्या करते हैं? देखो ऊपर क्या है अपने पास? वेग। वेग का क्या होता है अपने पास? देखो फॉर्मूला से करो, ए बराबर लिखो, वेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है अपने पास? मीटर प्रति सेकंड। नीचे क्या है? टाइम है। टाइम को भी अपने किस में लेते हैं? सबसे जो उसमें छोटी छोटा चीज होती है, ठीक है, सेकंड, फिर मिनट, फिर घंटा। तो इसमें क्या लिखेंगे? यहाँ पे भी अपने क्या लिखेंगे? सेकंड। ये क्या है? सेकंड। तो देखो सेकंड सेकंड दो बार है, मीटर घंटा में सेकंड की क्या होगी? स्क्वायर। चाहे इसको ऐसे लिख लो, मीटर सेकंड स्क्वायर, कैसे मर्जी लिख लो, लिखने का तरीका अलग अलग है, बात एक ही है। अब बात करते हैं कि अगर वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण में क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव डालता है? तो देखो त्वरण पर प्रभाव, प्रभाव पड़ेगा दो चीजों से। अगर वेग क्या होगा? बढ़ेगा, दो ही चीजें हो सकती।
फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा, उसी फॉर्मूले की हेल्प से अपने इसका ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो अपने पास यहाँ पे क्या है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट से अपने सीधा गति कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या अभी आ गया अपने पास बी पॉइंट आ गया। ए पॉइंट पे अपने पास टाइम क्या है, जीरो है, क्योंकि अभी चला ही नहीं, तो टाइम कहाँ से होगा, टाइम क्या है अपने पास, जीरो सेकेंड है, ठीक है। और यहाँ पे अपना वेग कितना है, प्रारंभिक वेग किससे लिखते हैं, यू से, यू से लिखते हो प्रारंभिक वेग। अपनों ने मान लिया कितना है यहाँ पे, तीस मिनट मान लो, ठीक है। प्रारंभिक वेग अपना क्या होगा यहाँ पे, 30 मीटर प्रति सेकंड, पूरी यूनिट लगेगी ना वेग की, तो 30 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ से अपने चलते चलते कहाँ पहुंचे, बी पॉइंट पे पहुंच गए। अपनों ने मान लिया अपने को यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लग गया, 10 सेकंड लग गए। ए से बी पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया, 10 सेकंड तक। अब यहाँ पर आकर अपना वेग कितना हो गया, 60 मीटर प्रति सेकंड हो गया। देखो U कितना था, प्रारंभिक कितना था, 30, अंत में कितना हो गया, 60। तो ये क्या आ गया अपने पास, V, ठीक है। प्रारंभिक वेग U, अंतिम वेग को V से लिखते हैं, तो 60 मीटर प्रति सेकंड। आप कोई अपने को कह दे कि इसका त्वरण निकालो, तो निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला अपना जो भी अपनों ने निकाला था क्या था, V माइनस U अपॉन में T। निकालो V कितना है, 60 माइनस U कितना है, 30 अपॉन में टाइम कितना है अपने पास, देखो 0 सेकंड में यहाँ से 10 है, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 10 सेकंड। इसको सॉल्व करो, 60 में से 30 गए, 30 बटा में कितना है, सॉरी 10 कट गया, तो कितना बच गया, 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। साथ में यूनिट जरूर लगाना, यूनिट का बहुत महत्व होता है। तो अपने पास त्वरण कितना आ गया, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। कैसे आया, देखो फॉर्मूले से v माइनस u किया, अपने पास पूरे का पूरा आ गया। अब यहाँ पे त्वरण क्या है, धनात्मक है। देखो पहली कंडीशन क्या है, पॉजिटिव, या यहाँ लिख लो त्वरण कैसा है, धनात्मक। त्वरण कैसा है अपने पास, धनात्मक है, फर्स्ट कंडीशन होगी। तो मतलब क्या हो गया, वेग बढ़ा, 30 से कितना हो गया, 60 हो गया। तो अपने पास अपना त्वरण भी क्या हो गया, बढ़ गया, पॉजिटिव में, तो मतलब बढ़ गया। अब बात करते हैं सेकंड केस लेते हैं अपने, मान लो इस पॉइंट को ना यहाँ से इसका वेग कर लो 60 मीटर प्रति सेकंड, और अंत में कर लो 30, चेंज ही करना है सिर्फ छोटा सा। प्रारंभ में अपने चले तो 60 मीटर प्रति सेकंड, मान लो रोड तो खाली थी पूरी, तो फुल स्पीड से चला दी, जो भी कार थी बाइक थी आपके पास, 60 मीटर प्रति सेकंड चल रहे हो, लेकिन आगे क्या आ गया, पूरा रश वाला एरिया आ गया, पूरा ट्रैफिक है, तो आपने क्या कर दी, स्पीड कम कर दी, तो v बराबर क्या आ गया आपके पास, 30 मीटर प्रति सेकंड आ गया। सेम फॉर्मूला दोबारा लगाओ, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही, मैं सीधा कर रही हूँ। देखो v माइनस u करना था, तो 30 माइनस u बटा में टाइम पीरियड अपना सेम है, टाइम पीरियड चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, बट फिलहाल मैं इसी से समझा रही हूँ। देखो करो, बचा तो 30 बटा में 10, लेकिन बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ से ये कटा, तो ये क्या आ गया, माइनस का 3 मीटर सेकंड स्क्वायर। अब त्वरण क्या है अपने पास, ऋणात्मक त्वरण अपने पास प्राप्त हुआ है, ऋणात्मक, ऋणात्मक। अब सीधा से देखो वेग क्या था, 60 से क्या हो गया, 30 हो गया, कम हो गया, तो त्वरण को तो अपने ऋणात्मक आना ही था। ये तो हो गए दो केस, अब बात करते हैं थर्ड केस की, जब त्वरण पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कब नहीं पड़ेगा, देखो यहाँ अपने किस चाल से चल रहे हैं, 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हैं, और दूसरे 10 सेकंड बाद अपनी चाल कितनी है, वेग कितना है अपना, 60 मीटर प्रति सेकंड है, कोई फर्क नहीं पड़ा।